जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी ये धरती रहस्यमय बातों से भरी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डरावनी बातें बताऊंगा, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम लोगों ने हमेशा से ही कार में सफर किया है, जब से कार इन्वेंट हुई है तब से लेकर आज तक। पर क्या किसी ने कभी ये गौर किया है कि दुनिया की सबसे तेज कार कौन सी है? बहुत से लोग कहेंगे फॉर्मूला 1, पर फॉर्मूला 1 इस दुनिया की सबसे तेज कार नहीं है। दुनिया की सबसे तेज कार ये है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये। और जानते हो इस कार का नाम क्या है? इस कार का नाम है SSC रॉकेट कार, और इसकी स्पीड इतनी है जितनी कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट से भी ज़्यादा है, मतलब 1295 किलोमीटर पर आवर। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा समुद्र जहाँ पर कोई कभी नहीं डूबता है। जी हाँ, इस धरती पर एक ऐसा समुद्र भी है जहाँ पर कोई कभी नहीं डूबता है, चाहे वो कितनी भी गहराई में चला जाए। और जानते हो इस समुद्र का नाम क्या है? इस समुद्र का नाम है डेड सी। और कोई ऐसा क्यों नहीं डूबता है इसमें? ऐसा कौन सा बात है इसके पानी में? वो इसलिए क्योंकि इसके पानी में इतना नमक है, इतना नमक है कि ये इंसान की बॉडी को ऊपर ढकेल देता है। फैक्ट नंबर 4, ये जो सांप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, और इस सांप का नाम है इनलैंड टाइफन। और जानते हो इसका जहर कितना खतरनाक है? इसकी जहर की सिर्फ एक बूंद 100 इंसानों को मारने के लिए काफी है। जी हाँ, 1 drop and 100 deaths। पर डरो मत, ये आपको नहीं काटेगा। अब मैंने ये क्यों कहा कि आपको नहीं काटेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंसानों से बहुत दूर वीरान आइलैंड्स पे रहता है। और एक बात जानते हो, दुनिया का सबसे जहरीला सांप होने के बावजूद भी इसके काटे जाने के बाद किसी भी इंसान की मौत की खबर आज तक नहीं आई है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने आज तक किसी को भी नहीं काटा है। फैक्ट नंबर 3, ये देखो, ये एक पेन ड्राइव है। इसे जनरली हम लोग मूवीज, गाना या फिर फाइल्स रखने के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन सपोज करो कि हमें अगर एक पेन ड्राइव में 5 मूवीज रखनी हो, तो हम लोग कितने जीबी का पेन ड्राइव यूज करेंगे? ऑब्वियसली 4 GB बहुत होगी ना। पर एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इतनी अच्छी इन्वेंशन की कि उसने मात्र 8 बिट के फाइल में, 8 बिट के पेन ड्राइव में 5 मूवीज को रख लिया था। और जानते हो क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई, मतलब ही वॉज किल्ड। फैक्ट नंबर 2, हम लोगों ने सुना है कि एक पार्टिकुलर जगह कोई भी हो सकती है, मिस्टर XYZ या फिर प्लेस XYZ। उस जगह पर बहुत सारे घोस्ट हो सकते हैं, पर भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर 1-2 नहीं, हजारों लाखों संख्या में भूत रहते हैं। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये स्टोरी 1992 की है, जब बहुत सारे लोग, 5 बारातें आई थी उस गांव में, मतलब एक ही साथ 5 घरों में शादी थी, मतलब 5 अलग अलग घर एक ही दिन में। और उस 5 बारात में इतने सारे लोग आए थे कि मतलब आप कुछ कह नहीं सकते हो। और वो लोग ट्रैक्टर से आ रहे थे। फिर जानते हो क्या हुआ? उस जो रोड थी ना, रोड वो बहुत कच्ची रोड थी, वो रोड धस गई, और जितने लोग थे ना, हजारों लाखों लोग, वो लोग दब के मर गए। और आज भी, मतलब फ्रॉम 10 years and more, 10 साल के बाद भी बहुत सारे लोग का कहना ये है कि अगर वो रात में बांसपार गांव से आगे जाते हैं रात में, तो उन्हें बहुत सारी भूतिया घटनाओं की गतिविधि का पता चलता है। फैक्ट नंबर 1, बहुत से लोगों के पास कार है, और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। और जनरली उसका माइलेज कितना होता है? 10 से 12, किसी का 15, या इनफैक्ट किसी का 20 भी। पर जानते हो, एक जर्मन साइंटिस्ट, उसने अपने ब्रेन का यूज करके अपने कार में ऐसा वैक्यूम पंप फिट किया ना, जी हाँ, वही वैक्यूम पंप जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कि उसका कार जो सिर्फ 15 का माइलेज दे रही थी, वो 100 का माइलेज देने लगी। व्हाट अ ग्रेट इन्वेंशन। पर जानते हो उसका क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि उसे मार दिया गया, मतलब वो मरा नहीं, उसे मार दिया गया, ही वाज शॉट डेड। क्यों? क्योंकि जब इस आविष्कार के बारे में तेल कंपनियों को पता चला ना, तो उन्होंने मरवा दिया, क्योंकि अगर ये आविष्कार सक्सेस हो जाता ना, तो तेल कंपनियों की बंद हो जाती, मतलब उनकी फट जाती। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये चैनल अभी नया नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। एक और बात दोस्तों, मेरे इस चैनल की ये दूसरी ही वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की लाइक मात्र 50 लाइक्स है, तो प्लीज़ वीडियो 50 लाइक्स दें। तब तक के लिए जय हिंद।